हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग हेलो बच्चों आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मजा आपका पढ़ाई करेंगे। आज मुझसे सीखेंगे एक और काम, कल एक क्वेश्चन को बैलेंस करना मात्र 3 स्टेप में। चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला स्टेप, ये क्वेश्चन रखी है। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा, LHS एंड RHS में डिवाइड करूँगा। देन कार्बन इज 1, देन हाइड्रोजन इज 2, देन सल्फर इज 1, देन ऑक्सीजन की वैल्यू 4 है। यही काम आपको स्टार्ट भी करना है। कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2, सल्फर की वैल्यू चेक करते हैं 1 है, देन ऑक्सीजन 2 प्लस का 2 प्लस का 1, टोटल इज 5। इतना काम आपको करना होता है, स्टेप नंबर 1 में करना होता है। इस काम को बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि ये होती है स्टेप नंबर 1 है। अगर स्टेप नंबर 1 गलत हो गए तो समझ लीजिए आगे कुछ भी सही नहीं होने वाला है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 आते हैं, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि केमिकल क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। आगे चेक करते पता लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं कार्बन 1 इक्वल है, हाइड्रोजन 2 इक्वल, सल्फर 1 इक्वल, देन ऑक्सीजन 4 है एंड 5 है। तीन एलिमेंट्स की जो वैल्यू इक्वल है बट ऑक्सीजन 4 एंड 5 डिफरेंस है, तो इससे पता चलता है कि दोनों साइड के नंबर बैलेंस नहीं है। इतना तो पता चल गया कि बैलेंस नहीं। अब आती है स्टेप नंबर 3 आती है, यहाँ पर मैं छोटे से ट्रिक यूज़ करूँगा जिससे क्या होगा, आपको टफ लगने लगा केमिकल क्वेश्चन अभी से और आज से आपको सिंपल लगने लगेगा। देखिए इस ट्रिक को मैं कैसे यूज़ करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है, तो क्या किया जाए, मैं यहाँ करूँगा 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कितनी हो गई, टोटल हो गई 8 हो गई, क्लियर हो गया। अब समय मल्टीप्लाई करिए, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 2 4 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई होगा सल्फर में, तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 2 हो गई, क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सल्फर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 किया तो सल्फर कितनी हो गई, ये 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया, इक्वल हो गया। 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में, तो वैल्यू कितनी है, 2 2 4 हो गया, क्लियर, इसका काम हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन वैल्यू 4 है बट यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर 2 कर देते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 2 4 हो गया, तो देखिए हाइड्रोजन भी 4 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे, 2 आएगी, 2 2 4 4 8, क्लियर हो गया। देखिए सारे एलिमेंट्स के नंबर इक्वल हो चुके हैं, मीन्स हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। मैंने सिखाया आपको बेहद आसान तरीका। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल जरूर प्रेस कीजिए एंड वीडियो शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट कीजिए। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।